तो की हाल चाल दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गाइस, आज वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच खेला जा चुका है, जहां इस फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल्स के साथ, जहां इस मैच में दिल्ली की कैप्टन मैग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने उतरी कैप्टन मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा, जहां दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा ने दिल्ली की इनिंग्स का पहला सिक्स लगाया। वहीं रेणुका सिंह ठाकुर के चौथे ओवर में शेफाली वर्मा ने 2 4 और 1 6 लगाए, जहां चौथे ओवर से आए 19 रन। शेफाली वर्मा यही नहीं रुकी और एलिस पैरी के 5वें ओवर में शेफाली वर्मा ने दिल्ली की इनिंग्स का तीसरा सिक्स भी लगा दिया, जहां दोनों प्लेयर्स के बीच 5वें ही ओवर में 50 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। जहां पहले 6 ओवर तक दिल्ली का स्कोर था 61 रन बिना किसी नुकसान के, पर 8वें ओवर में बॉलिंग करने आई सोफिया मॉलिनिक्स ने 3 विकेट लिए। जहां पहले अच्छा खेल रही शेफाली वर्मा को 44 रनों पर, क्रीज पर नवी आई जेमिमा रॉड्रिगस को 0 रन पर बोल्ड, वहीं फिर क्रीज पर नवी आई एलिस कैप्सी को भी 0 पर बोल्ड कर दिया, जहाँ दिल्ली का स्कोर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर्स के बाद। इसके बाद मैग लैनिंग का साथ देने आए मैरिजियाना कैप, जहां पहले 10 ओवर तक दिल्ली का स्कोर था 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने दिल्ली की कैप्टन मैग लैनिंग को 23 रनों पर आउट कर दिया, जहां दिल्ली का स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद। 14वें ओवर में आशा शोबाना ने 2 विकेट लिए, जहां पहले मैरिजियाना कैप को 8 रनों पर, वहीं फिर जेस जॉनसन को 3 रनों पर पवेलियन भेज दिया। दिल्ली का 7वां विकेट 15वें ओवर में गिरा, जहां श्रेयंका पाटिल ने मीनू मनी को 5 रनों पर आउट कर दिया। दिल्ली का स्कोर 90 रन 7 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर्स के बाद। दिल्ली का 8वां विकेट 101 रनों पर गिरा, जहां राधा यादव 12 रनों पर रन आउट हो गई। दिल्ली के आखिरी 2 विकेट भी श्रेयंका पाटिल ने लिए, जहाँ अनुरुद्धि रेड्डी को 10 रनों पर, वहीं फिर तानिया भाटिया को 0 पर आउट कर दिया, जहाँ दिल्ली की पूरी टीम 113 रनों पर ऑल आउट हो गई। अगर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोरबोर्ड की बात करें तो मैग लैनिंग ने 23 रन, शेफाली वर्मा ने 44 रन, राधा यादव ने 12 रन, अरुंधति रेड्डी ने 10 रन बनाए, वहीं बाकी सारे दिल्ली के बल्लेबाज फ्लॉप रहे। आरसीबी की ओर से श्रेयंका पाटिल ने 4 विकेट, सोफिया मॉलिनिक्स ने 3 विकेट, वहीं आशा शोबाना ने 2 विकेट लिए। अब दोस्तों, आरसीबी को इस फाइनल मैच को जीतने के लिए सिर्फ 114 रनों की आवश्यकता थी 20 ओवर्स में।